प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापक हेमवती नंदन सिंह। आज हम सभी बसंत भाग तीन के अंतर्गत जो पहला पाठ है, जिसका शीर्षक है ध्वनि नामक कविता का अध्ययन करेंगे और इस कविता के द्वारा हमें जानने का प्रयास करेंगे कि कवि ने अपनी किन भावनाओं को इस कविता के माध्यम से हमें बताया है, हमारे सामने प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है और कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है। ठीक है, तो पहला जो पाठ है आपका वो ध्वनि और यह एक कविता है। इसकी संदर्भ प्रसंग सहित जो व्याख्या करने से पहले थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में कवि परिचय जानना जरूरी है आपके बारे में कि कवि का जीवन परिचय क्या है, वो किस तरह की कविताएं लिखते हैं। तो आइए इस संदर्भ में कुछ जानकारी जो है मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ, आपको प्रदान करता हूँ। तो इसको लिखा है, इस ध्वनि नामक कविता के रचयिता है, रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इन्हें प्रकृति प्रेमी कहा जाता है, प्रकृति का कवि कहा जाता है। ठीक है, ये अपनी कविताओं के माध्यम से प्रकृति की सुंदरता का बहुत ही आकर्षित और मनोहारी वर्णन इन्होंने किया है। ठीक है, इनका जन्म जो है 1896 ईस्वी में, इनका जन्म 1896 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था, मेदिनीपुर गांव में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम, इनके पिताजी का नाम था राम सहाय त्रिपाठी। आप चाहें तो इसे एक जगह नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और बचपन का नाम इनका था सूर्य कुमार, याद रखिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बचपन का जो नाम था वो इनके जन्म दिवस के आधार पर रखा गया था। इनका जन्म हुआ था रविवार के दिन, इसलिए इनका नाम पड़ा सूर्य कुमार। बाद में जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से कविता लिखने लगे, हिंदी साहित्य जगत में इन्होंने प्रवेश किया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो इनको साहित्य जगत में अव्वल या श्रेष्ठ दर्जे का कवि, प्रकृति प्रेमी या फिर कवि या श्रेष्ठ कवियों में इनकी गिनती कराता है। जो कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है, जैसे जन्मभूमि, परिमल, तुलसीदास और अनामिका। इसके साथ ही साथ इन्होंने कई नाटक भी लिखे। ठीक है, अन्य जो है हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं में भी इन्होंने लेखन कार्य किया और अंतोगत्वा हिंदी साहित्य जगत की सेवा करते हुए सन 1961 ईस्वी में इनका इलाहाबाद में देहांत हो गया। कहाँ हुआ? इलाहाबाद। इलाहाबाद में इनका देहांत हो गया। तो ये था संक्षिप्त रूप से कवि परिचय, कवि के बारे में हम लोगों ने जाना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिताजी का क्या नाम था, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन थी, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। अब आइए शुरू करते हैं कि इनकी कुछ जो रचनाएं हैं, कुछ पंक्तियां हैं। ठीक, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इससे पहले इसका संदर्भ जानना जरूरी है आपके लिए। तो इसमें मुख्य रूप से तीन प्रमुख चीजें हैं। पहला है कि इसका संदर्भ, जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में लिखते आए हैं, संदर्भ प्रसंग, प्रसंग और अंत में आता है व्याख्या, जिसकी हम व्याख्या करते हैं। पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या। तो संदर्भ हालांकि आप लिखते आए हैं लेकिन मैं इसमें संक्षिप्त प्रकाश डालूंगा। संदर्भ के अंतर्गत हम लिखते हैं कि ये जो पंक्तियां हैं वो किस पुस्तक से ली गई है, आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और इसका शीर्षक क्या है और किस कवि ने लिखा है इसके बारे में। अर्थात इसमें लिखा जाता है प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग तीन के पाठ एक ध्वनि नामक कविता से अवतरित है या लिया गया है और इसके रचयिता या इसके रचनाकार या इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, ये इसका संदर्भ हो गया। अब है अगला प्रसंग। प्रसंग में लिखा जाता है कि मुख्य रूप से इन पंक्तियों में
कवि जो है किसके बारे में वर्णन किया, किसके बारे में लिखता है, मुख्य रूप से संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है कि इसमें उन्होंने किन चीजों को प्रस्तुत किया है, प्रकट किया है। तो इन पंक्तियों में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने प्रकृति में वसंत के आगमन का वर्णन किया है कि किस प्रकार से जब प्रकृति में वसंत का आगमन होता है तो चारों तरफ का माहौल जो है बदल जाता है, खुशनुमा हो जाता है, चारों तरफ हरियाली होती है, पुष्प खिल जाते हैं, पुष्प जो है पुष्पित और पल्लवित हो जाते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है और पौधे और डालियां जो है हरी हरी हो जाती हैं, ठीक है, यानी बहुत ही मनोहारी और आकर्षित करने वाला दृश्य होता है। अब इसकी व्याख्या, तो एक एक लाइन का जो है उसको मैं पढ़ता जाऊंगा और आपको इसकी व्याख्या बताता जाऊंगा। इसका मुख्य और जो गूढ़ अर्थ है वो भी आपको जानना है। अभिन होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभिन होगा मेरा अंत। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होने वाला, क्योंकि अभी अभी मेरे जीवन में रूपी वन में, मेरे जीवन रूपी वन में बसंत रूपी उत्साह का आगमन हुआ है। यानी बसंत, देखिए इसका दो अर्थ में हम लेंगे, एक तो जो है इसका व्यवहारिक रूप में जो अपने कवि अपने ऊपर उन्होंने लिया है, और एक जो है प्रकृति से उन्होंने जोड़ा है। जब प्रकृति के रूप में जब देखेंगे इसका अर्थ या इसका भावार्थ, तो जब प्रकृति में बसंत ऋतु का आगमन होता है तो चारों तरफ हरियाली आ जाती है, छा जाती है। अभी न होगा मेरा अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अर्थात कवि कहता है कि ये प्रकृति कहती है कि मेरा अंत अभी होने वाला नहीं है, मेरा अंत या मैं समाप्त होने वाली नहीं हूँ, अभी अभी तो मेरे वन में मेरे हृदय में वसंत रूपी ऋतु का आगमन हुआ है, अर्थात अब चारों तरफ हरियाली छा जाएगी, चारों तरफ उत्साह होगा, खुशी का माहौल होगा, ठीक है, और मेरा अंत इस तरह से मेरा अंत अभी नहीं होने वाला है, ठीक है, ये तो शुरुआत है अभी। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, अब जब प्रकृति में बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है तो चारों तरफ क्या हो हरियाली छा जाती है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है मृदुल, एक शब्द आया मृदुल, काठिन्य निवारण के अंतर्गत मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी। मृदुल का अर्थ होता है कोमल, पात का अर्थ होता है पत्ता, और गात का अर्थ होता है शरीर, ठीक है, गात का शरीर, पात का पत्ता, और जैसे जैसे इसमें भी आएगा फिर निंद्रित का अर्थ सोया हुआ, प्रत्युष का अर्थ होता है प्रातः का मनोहर, मन को भरने वाला, ठीक। तो अब दूसरी जो है पंक्तियां देखिए, दूसरा पैराग्राफ, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, कभी कहता है कि जब प्रकृति में बसंत यानी ऋतुराज, ऋतुओं का राजा कहा जाता है बसंत को, क्योंकि इसके आगमन से चारों तरफ हरियाली छा जाती है, चारों तरफ का माहौल जो है बहुत ही खुशनुमा होता है, इस समय जो है विशेष तौर से किसानों के लिए भी बहुत उत्साहित करने वाला दिन होता है, फसलों का कटना, और फिर विभिन्न प्रकार के जो है त्यौहार भी होते हैं, मुख्य रूप से होली का त्यौहार इस समय मनाया जाता है, चारों तरफ जो है रंग बिखरे होते हैं, यह प्रतीक है प्रकृति में चारों तरफ जो है जो हरियाली होती है, जो रंग बिखरे होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंगों के जो पुष्प होते हैं उसकी तरफ यह संकेत करता है। तो हरे हरे ये पात डालियां, अब कवि कहता है कि जब बसंत ऋतु का प्रकृति में आगमन होता है तो चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं उनके जो पत्ते हैं वो क्या होते हैं, हरे हो जाते हैं, उससे नई नई कपोलें निकलती हैं, नए नए पुष्प उससे पुष्पित होते हैं, पल्लवित होते हैं, पत्ते निकलते हैं, और डालियां पूरी तरह जो पहले सूख गई थी, पत्ते जो है झड़ गए थे, अब जो है वो पुनः हरी हो जाती हैं, उसकी डालियां हरी आती है, हरे हरे ये पात, पात का मतलब पत्ते, पेड़ों पर हरे हरे पत्ते निकल आते हैं, डालियां कलियां कोमल गात, अब जो है उस वृक्ष रूपी शरीर पर गात, गात होता है शरीर, यहां मैंने लिखा है गात शरीर, जो उसका शरीर है उसका वृक्ष का पूरा शरीर जो है कोमल कलियों से पुष्पों से, ठीक है, लद जाता है और बहुत ही आकर्षित लगता है, मन को हरने वाला होता है। अब अगली पंक्ति देखिए, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, स्वप्न मृदुल कर, कर का होता है हाथ, हाथ फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष का अर्थ मैंने बताया प्रातः काल, मनोहर का अर्थ मन को हर लेने वाला, ठीक है, मृदुल का कोमल
अशोक का अर्थ जानते हैं और कर का अर्थ का हाँ। अब देखिए आगे जो है इसमें कवि लिखते हैं कि मैं ही अपना स्वप्न दूर कर, जिस तरह से जैसे प्रकृति में जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो बसंत ऋतु के स्पर्श से यानी उसके हाथों के स्पर्श से ही चारों तरफ का जो है वातावरण हरा भरा हो जाता है। जो पहले कलियां मुरझाई हुई थी, पत्ते सूखे हुए थे, उसमें जो है उत्साह आ जाता है, नवीनता आ जाती है, उस तरह से क्या होता है तो मैं अपना उत्साह जो है उन कलियों में उन पुष्पों में जब फेरूंगा तो उनमें भी एक तरह का जो है उत्साह आ जाएगा और उनका भी सवेरा जो है बहुत ही मनोहारी होगा, मन को हरने वाला होगा, उनके अंदर उत्साह होगा, ऊर्जा होगी। ठीक है, तो ये तो रहा जो भावार्थ था इन दोनों पैराग्राफ का, वो जो था वो प्रकृति और बसंत ऋतु के संदर्भ में था। जब हम इसकी गहराई में जाते हैं, इसके भावार्थ को समझते हैं, तो यहाँ कवि जो है अपनी बात यहाँ कर रहा है कि कवि जो है अपने को मान रहा है कि वो प्रकृति है और जो बसंत है वो उसकी ऊर्जा है, उत्साह है जो उसके मन में प्रवेश कर जाता है। तो वो अर्थ भी एक बार आप देख लीजिए, अभी न होगा मेरा अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदु वसन, अभी न होगा मेरा। कवि कहता है कि मेरे मन रूपी वसंत में जो है उत्साह रूपी, मन रूपी प्रकृति में बसंत उत्साह रूपी बसंत का आगमन हो चुका है, जिससे मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, ऊर्जावान हूँ, सकारात्मक सोच से परिपूर्ण हूँ। इस प्रकार मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि कवि जो है आशावादी है, उसे उम्मीद है, उसे विश्वास है कि वो यहाँ जो है अपने जीवन में कुछ करके ही तब जो है यहाँ से अपनी यह लीला समाप्त करेगा, उससे पहले नहीं, जो उसका मूल उद्देश्य है उसे पूरा करके ही हो जाएगा। वो क्या कहता है, हरे हरे पाक डालियां कलियां कोमल गा, मैं ही अपना स्वप्न मधुर कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। अर्थात कभी अपने आत्मीय ऊर्जा विश्वास सकारात्मक सोच को जो है जो देश के जो नव युवक है जो युवक है उनको वो क्या करता है हस्तांतरित करना चाहता है, उनको जो है सुपुर्द करना चाहता है कि जो उत्साह मेरे अंदर है मैं अपने इस उत्साह से जोश से युवाओं को भी भर दूंगा, उनके अंदर भी ऊर्जा लाऊंगा, उनके अंदर भी सकारात्मक सोच उत्पन्न करूंगा और जब तक मैं ये कार्य करने में सफल नहीं होऊंगा यह मेरा अंत नहीं है, मेरी अभी तो ये शुरुआत है। मैं स्वयं के साथ साथ भारतवर्ष के युवाओं को भी उत्साहित करूंगा, प्रेरित करूंगा, जो अलसाए हुए हैं जो सोए हुए हैं उनके अंदर जो है इच्छाएं पैदा करूंगा, लक्ष्य पैदा करूंगा और उन्हें प्राप्त करने के लिए जोश और जुनून भर दूंगा। तो इस प्रकार जो है कवि प्रकृति और बसंत के माध्यम से अपने और भारतीय युवाओं के मन में जो है एक प्रेरणा का स्रोत उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे सभी अपने जीवन को सफल बना सकें। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, यदि कोई दिक्कत होगी तो आप जो है कक्षा के दौरान आप जो है प्रश्न कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या प्रत्यक्ष रूप से कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं, आप ये काठिन निवारण का संक्षिप्त जीवन परिचय से आप नोट भी कर लीजिएगा एक जगह भविष्य के लिए। ठीक है, तो धन्यवाद।